अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज़ एचडी। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शाम करते हैं वाशिंगटन से। आलमी खबर रसां अदारे के मुताबिक अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान नेट प्राइस ने न्यूज़ ब्रीफिंग में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पाकिस्तान पर जोर दिया कि IMF से किए गए वादों को पूरा करने के लिए माशी असलाहत जारी रखे। तर्जमान वजारत खारजा ने मजीद कहा कि अमरीका मैशियत की बहाली की गई पाकिस्तान की माशी असलाहत में मदद और हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने इस बात की निशानदेही भी की पाकिस्तान की अमरीकी हिमायत गैर मशरूत है। इस मौके पर तर्जमान नेट प्राइस ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नो के लिए अजाफी $100 मिलियन का ऐलान भी किया, जिससे पाकिस्तान के लिए अमरीकी अमदाद $200 मिलियन से ज्यादा हो गई। सहाफी ने पूछा कि क्या ये अमरीकी अमदाद पाकिस्तान में जारी माशी असलाहत पर मुनहसर होगी, तो तर्जमान नेट प्राइस ने कहा कि बिलाखर IMF का फैसला है, लेकिन अमरीका यकीनन पाकिस्तान को असलाहत के रास्ते पर गामजन देखना चाहता है। अमरीकी तर्जमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की बहाली और तामीर नो का अमल महीनों बल्कि बरसों जारी रहेगा और हम पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए अमदाद और पाकिस्तान को ग्रीन अलायंस में शामिल करने की कोशिशों में मदद जारी रखेंगे।